तो दोस्तों, अगर आपके चैनल के ऊपर आ चुकी है कॉपीराइट स्ट्राइक, चाहे वो कॉपीराइट स्ट्राइक एक आई हो या आपके चैनल के ऊपर दो कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, अब इस कंडीशन में हर एक क्रिएटर्स के दिमाग में यही बात आती है, सबसे पहली बात, कि अब उसका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद लोग बार क्या करते हैं, जितने भी नए क्रिएटर्स हैं वो तुरंत एक नया चैनल बनाते हैं और नए चैनल पर मेहनत शुरू कर देते हैं, चाहे उनके कॉपीराइट स्ट्राइक वाले चैनल के ऊपर 100 सब्सक्राइबर हों, 500 हों या 1000 हों, या उनका 4 घंटे का बॉस टाइम समथिंग कंप्लीट होने वाला हो। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, मैं आज आपको यहाँ पर लाइव दिखाऊंगा कि अगर आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए तो आप उसको किस तरीके से हटा सकते हैं, और कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो वो मोनेटाइज होगा भी या नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पर लाइव सीख लेते हैं कि अगर आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक है तो आप उसको किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास हमारा एक चैनल है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास चैनल आ रहा है कृष्णा कंप्यूटर वाला। मैं देखिए यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक चैनल है हमारा कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक कॉपीराइट स्ट्राइक है, और दूसरा चैनल है हमारे पास YT एक्सपर्ट कृष्णा वाला, जिसके ऊपर देखेंगे आप दो हमारे पास कॉपीराइट स्ट्राइक हैं। इस वाले चैनल के ऊपर हमारे पास 4,440 सब्सक्राइबर हैं, और इस वाले चैनल की बात करूँ तो 17,220 हमारे पास सब्सक्राइबर हैं। अब इस कंडीशन में आपका यूट्यूब चैनल देखिए मोनेटाइज होता है या नहीं होता है, तो फिलहाल में आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक है, ठीक है, एक चैनल पर स्ट्राइक है, और हमारा रेवेन्यू भी है इस समय 4,000 रुपये का। अब इस कंडीशन में हमारा चैनल देखिए मोनेटाइज है, यानी मोनेटाइज कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पर अगर मोनेटाइज होने के बाद आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, जैसे देखिए ये चैनल मोनेटाइज था, इस पर फिलहाल में रीयूज आ चुका है, इसलिए चैनल मोनेटाइजेशन से हट चुका है, और इस चैनल के ऊपर देखेंगे आप तो दो कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ पर आ रही हैं। अब दो चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक हो तो कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटानी है आपको, साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि अगर हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है और चैनल पर अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई तो क्या वो चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली कंडीशन, अगर आपका चैनल एक नया चैनल है और चैनल आपका अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। देखिए, एक नया यूट्यूब चैनल का जो अपना क्राइटेरिया है उस पर कहा जाता है कि भाई कम से कम आपके पास 1,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। दूसरी कंडीशन में आपके चैनल के ऊपर समथिंग 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए, तब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा। ये है यूट्यूब की पॉलिसी। दूसरी कंडीशन में यूट्यूब कहता है कि आपके पास 2-स्टेप वेरिफिकेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके चैनल के ऊपर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए। ये है यूट्यूब का क्राइटेरिया, यानी कि आपका 1,000 सब्सक्राइबर हो, 4,000 घंटे का वॉच टाइम हो, 2-स्टेप वेरिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए, और आपके चैनल के ऊपर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक है तो उससे यूट्यूब को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक हर किसी के चैनल पर आती है, ये कोई नई बात नहीं है। कम्युनिटी गाइडलाइंस भी कोई बड़ा इशू नहीं है, वो भी सभी के चैनल पर ऑलमोस्ट आता है। लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, अगर आपका नया चैनल है और आपके नए चैनल के ऊपर अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ गई तो आप 90 दिन तक अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते। ये मेन प्रॉब्लम होती है आपके पास। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती है तो वो तो आपके आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो उससे आपके चैनल पर कोई प्रभाव नहीं है। यानी आपके 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 घंटे का अगर वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका चैनल इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। अगर उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक है भी है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने लास्ट की कई वीडियोस में ये वाली बात भी आपको दिखा चुका हूं, और आपको लाइव प्रैक्टिकली जब मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक थी तब मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज भी करके दिखाया था, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि भाई हमारे इस चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक है, ये कॉपीराइट स्ट्राइक हटेगी कैसे। देखिए, सबसे पहली बात कि जैसे आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, मैं यहाँ चलता हूँ और देखिए हमारे चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्यों आई है पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर RRR मूवी को अपलोड कर दिया था, जिसके चक्कर में मेरे चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। अब कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद अब आपको क्या करना है, कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद आपको अपील करनी है। अपील हालांकि कोई भी सुनता नहीं है, आपकी अपील कैंसिल हो जाएगी, तो आपको उस केस में केवल एक ही सॉल्यूशन बचता है कि आपको 90 डेज यानी 3 महीने का आपको इंतजार करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद आपके चैनल के ऊपर से कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए, अभी यहाँ पे देखिए 13 फरवरी 2024 को हमारे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, अभी 2 घंटे के बाद ये वाली हमारी कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर RRR मूवी को अपलोड कर दिया था। दूसरे बार चैनल पर चलते हैं तो देखिए यहाँ पर भी मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए हमारे पास पहली जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो हमारे पास आई है। यहाँ पर मैंने कोई एक मूवी अपलोड करी थी, उसके चक्कर में ही यहाँ पर पहली कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, और दूसरी जो आई थी वो RRR मूवी के ही द्वारा आई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी वो कर दी। अब देखिए यहाँ पर मैंने अपील भी करी थी तो वो देखिए यहाँ पर रिजेक्ट हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये वाली कॉपीराइट स्ट्राइक 4 घंटे के बाद, सॉरी, फर्स्ट वाले चैनल के ऊपर से 2 घंटे बाद मेरी कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगी। दूसरे वाले चैनल के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 दिन के बाद हट जाएगी ये वाली, और ये वाली मेरी अभी 3 घंटे के बाद हट जाएगी, क्योंकि RRR मूवी पर एक साथ ही लगातार दोनों आई थी। यहाँ पर देखिए 3 घंटे का टाइम है, और इस वाले पर चलते हैं, यहाँ पर देखिए 2 घंटे का टाइम है, यानी पहले इस वाले चैनल पर आई है और फिर इस वाले चैनल पर आई है। तो ऑलमोस्ट ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक है ये आपके चैनल पर 90 डेज के लिए वेट करती है। 90 डेज के बाद ये कॉपीराइट स्ट्राइक ऑटोमेटिकली आपके यूट्यूब चैनल से हट जाती है,
फिर आपको किसी तरीके की घबराने कोई टेंशन नहीं है, बस आपकी कंडीशन यही है भाई मैंने 3 महीने से इस चैनल पर आप देखेंगे तो मैंने देखिए यहाँ पे एक भी कंटेंट अपलोड नहीं किया, ताकि कोई भी गलत कंटेंट अगर अपलोड हो गया तो मेरे चैनल पर तीसरी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 महीने से देखिए 25 फरवरी 2024 को मैंने यहाँ पर अपलोड की है अपनी एक वॉच टाइम को बढ़ाने से रिलेटेड वीडियो, उसके बाद मैंने इस पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है क्योंकि तीसरी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई तो मेरा यूट्यूब चैनल परमानेंटली यूट्यूब से डिलीट हो जाएगा और फिर आपको पता ही है कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी एक नया चैनल बनाना और फिर से उसे खड़ा करना। अभी देखिए मेरे पास YT एक्सपर्ट कृष्णा वाला कंप्यूटर चल रहा है, कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर वाला चैनल चल रहा है जो कि अभी फिलहाल में देखिए मोनेटाइज है, और तीसरा चैनल मैंने अभी खड़ा कर दिया है जिसमें मैं मूवीज़ का चैनल बना रहा हूँ, ये भी चैनल देखेंगे आप यहाँ पे देखिए मोनेटाइज है। मैं इसके एनालिक पे आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे फिलहाल में हम लोग मूवीज़ के ऊपर ही काम कर रहे हैं कि भाई अगर अपने चैनल पे आप मूवी अपलोड करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फिलहाल में हमारी जो इनकम है वो अभी यहाँ पर 1700 कुछ रुपये है और 90 डेज़ की अगर मैं बात करूँ तो समथिंग यहाँ पर अभी 2000 रुपये की समथिंग ही यहाँ पर हमारी इनकम हुई है। और ये चैनल देखिए यहाँ पर देखिए फिलहाल मैं कंटेंट पर चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि केवल इस चैनल के ऊपर मैंने मूवी ही मूवी अपलोड कर रखी है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए तो आप उसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी। चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले YouTube से रिलेटेड हर एक चीज़ की टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको बता सकूं। चाहे आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, चाहे आप मूवी अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं या आप किसी और का इलीगल कंटेंट अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।